कानपुर में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। कमिश्नर को समस्याओं से अवगत कराते हुए लटकों के पास जारी करने की मांग की है। वहीं कमिश्नर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि इस मसले पर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। आपको बताते चलें, शहर में जाम की समस्या और हादसों को देखते हुए यातायात विभाग ने नो एंट्री के लिए बनाए गए ट्रकों के पास को निरस्त कर दिया था। बुधवार को ज्ञापन देने आए व्यापारियों ने बताया कि रात में लेबर नहीं मिलते हैं और इससे सीपीसी रेलवे माल गोदाम में ट्रकों की लोडिंग और अनलोडिंग में दिक्कत हो रही है। लेबर सिर्फ दिन में ही मिलते हैं, जिससे एक दिन में व्यापारियों का 3 लाख का नुकसान हो रहा है। तो वहीं पहले से आया हुआ माल रेलवे गोदाम में डंप पड़ा है और उसका शुल्क देना पड़ रहा है। कि कानपुर में रेलवे गोदाम, सीपीसी रेलवे गोदाम सालों साल पुराना, अब उसके नाम की शुरुआत ही कानपुर से होती है, तो वो समझ लीजिए आप कितने साल से चल रहा है। 5 प्लेटफार्म है और वहाँ पर रैक आती हैं जाती हैं। और कानपुर में देखिए, सबसे खास बात रेलवे का भाड़ा कम होता है ट्रक की तुलना में, तो सारी सीमेंट की, फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र आप समझ सकते हैं कितनी ज़रूरी चीज़ है, नमक, चना, गेहूँ, ये सब रैक से आ रहा है। और ऐसी स्थिति में पिछले कुछ समय से यातायात पुलिस ने लग 500 से 600 पास हम लोगों को दे रखे थे और केवल 500 पास जो वहाँ की यूनियन है उसको दे रखे थे। हम लोगों से कहा गया कि आप कुछ कम करिए, जबकि वो गाड़ियाँ जो आती हैं इनका एक रूट है, फजलगंज के रूट से निकल जाती है, शहर के अंदर कहीं नहीं जाती है, एक फिक्स रूट है। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।